नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब? अच्छे हो? बहुत अच्छा। तो बच्चों, ये क्या है? हमारी हिंदी की वर्ण परिचय की पुस्तक, और इस पुस्तक में से हम स्वर की कविताएं सीखते हैं। तो आज चलिए सीखेंगे अगली कविता। तो बच्चों, स्वर में हमने हमारा पहला स्वर अ से अनार, अ से अनार की कविता सीख ली। और फिर हमारा दूसरा स्वर आ से आम, आ से आम की कविता भी हमने सीख ली। और फिर उसके बाद ई से इमली, यानी कि छोटी ई, उसकी कविता भी सीख ली। और फिर मीठी मीठी ईख, ई से ईख, यानी कि बड़ी ई की कविता भी सीख ली। और ये सारी कविताएं मैंने आपको बोला था कि घर पे आपको सबको सुनानी है, और मुझे उम्मीद है कि आपने सबको सुनाई होगी। तो आज हम हमारे अगला स्वर ई से ईख के बाद क्या आता है? हाँ, ऊ से उल्लू, ये है उल्लू। तो आज हम ऊ से उल्लू की कविता सीखेंगे। चलिए सीखेंगे ना मेरे साथ? चलिए गाइए मेरे साथ। ऊ से उल्लू बड़ा सयाना, रात में खोजे अपना खाना। बच्चों, आपको पता है ये उल्लू ना रात में झांकता है, और अपना खाना ये रात में खोजता है। तो चलिए फिर से एक बार मेरे साथ उल्लू की कविता गाइए। ऊ से उल्लू बड़ा सयाना, रात में खोजे अपना खाना। इसी प्रकार से आपको घर पे ये कविता गानी है, ठीक है? अभी ऊ से उल्लू के बाद हमारा अगला स्वर कौन सा आएगा? हाँ, ऊ। ऊ से ऊन, यानी कि हमारा बड़ा ऊ। ये क्या है? ऊन का चित्र। बच्चों, आपको पता है ऊन का मतलब क्या होता है? ऊन मीन्स वुल, इंग्लिश में जिसे वुल कहते हैं। और ऊन से क्या बनता है आपको पता है? सर्दियों में, यानी कि विंटर सीजन में, हम जो स्वेटर पहनते हैं ताकि हमें ठंड ना लगे, वो स्वेटर किससे बनता है? ऊन से बनता है। तो चलिए ऊन की कविता गाते हैं। ऊ से ऊन है नरम नरम, सर्दी में है गरम गरम। चलिए एक बार फिर से दोहराते हैं। ऊ से ऊन है नरम नरम, सर्दी में है गरम गरम। तो बच्चों, इसी प्रकार से आपको उसे उल्लू और उसे ऊन की कविता घर पे गानी है, उसका अभ्यास करना है, और घर पे सबको सुनानी है।